हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक आर डी एक्स एडिटर चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में आप लोग बताएंगे फेस को कैसे इतना ऑयल पेंट आप लोग फोटो एडिटिंग कर पाएंगे, फेस को इतना ज़्यादा फुल एचडी स्मूथ कैसे आप लोग कर पाएंगे। देखिए, आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज, आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। शेयर करने के बाद सिंपली आप लोग टूल्स वाला आइकन पे चले जाना होगा। देन टूल्स वाला आइकन पे जाने के बाद सिंपली आप लोग कर्व से क्लिक कर लीजिएगा और थोड़ा सा ऊपर इसको ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से, ठीक है। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा। अगर फेस पे कलर टोन आता है तो आने दीजिएगा, ठीक है। पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आप लोग समझ जाएंगे। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने बाद सिंपल टूल्स वाला आइकन पे चले जाना होगा। देन टूल्स वाला आइकन पे जाने बाद सिंपल सेलेक्टिव पे क्लिक कर देना होगा एंड फेस पे सेलेक्टिव को अप्लाई करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से अप्लाई कीजिएगा। तो थोड़ा सा हम लोग ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा आप लोग कम कर लीजिएगा एंड स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप लोग कम कर लीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से एंड कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से। इतना करने बाद सिंपल आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने बाद सिंपल आप लोग फिर से टूल्स वाला आइकन पे चले जाएंगे। देन टूल्स वाला आइकन पे जाने के बाद सिंपल आप लोग को ब्रश वाला आइकन पे क्लिक कर देना होगा एंड ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करने बाद सिंपल आप लोग देखिए एक्सपोजर होगा, सिंपल आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसको आप लोग 0.3 करके सिंपल आप लोग को अपने फेस पे अप्लाई करना है। सिर्फ आप लोग अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इतना करने बाद सिंपली देखिए कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से आप लोग भी कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। कुछ इस तरीके से जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने फेस पे। तो इतना करने बाद सिंपली आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने बाद सिंपली आप लोग फिर से टूल्स वाला आइकन पे चले जाइएगा। देन टूल्स वाला आइकन पे जाने के बाद सिंपली आप लोग देखिए ग्लो, ठीक है मेरे भाई। सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उस पर क्लिक करने बाद सिंपली आप लोग यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करने बाद सिंपली आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ग्लो को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा कुछ इस तरीके से अपने फोटो के हिसाब से। तो +63 कर देना है एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा आप लोग कम कर लीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से। तो सेचुरेशन को 11 कर दे रहे हैं एंड देखिए फ्रेंड, थर्ड वाला ऑप्शन है उसको भी थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से। तो +20 कर दे रहे हैं। इतना करने बाद सिंपली आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग एडिट कर चुके हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर। देखिए, आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए फिर शेयर कर लेते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो फिर हम लोग शेयर कर चुके हैं लाइटिंग एप्लीकेशन के अंदर। आप लोग सोच रहे होंगे जो भी फेस पे कलर टोन आया है उसको आप लोग कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आप लोग जान पाएंगे। तो सिंपल आप लोग को भी शेयर कर लेना होगा लाइटिंग एप्लीकेशन के अंदर। देन शेयर करने बाद सिंपल आप लोग ऑटो पे क्लिक कर लीजिएगा। ऑटो पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका फेस फिर से हो जाएगा। देखिए, आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर। तो इतना करने के बाद सिंपल आप लोग लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा एंड लाइट वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल आप लोग ब्लेस को कुछ इस तरीके से 48 माइनस कर दीजिएगा एंड वाइट्स को भी थोड़ा सा आप लोग माइनस में कर लीजिएगा 36, ठीक है 36 कर देना माइनस एंड शेडो का आप लोग को 100 कर देना होगा। इतना करने के बाद सिंपल आप लोग को एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा ताकि आप लोग के फेस पे लाइट आ जाए, ठीक है। अपने फोटो के हिसाब से बढ़ाइएगा एंड कंट्रास्ट को आप लोग को थोड़ा सा माइनस कर लेना होगा -11। इतना हो गया ना। इतना होने के बाद सिंपल आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। देन इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल आप लोग मिक्स पे क्लिक कर लीजिएगा एंड देखिए थर्ड नंबर पे येलो वाला टोन, सिंपल आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड इसका सेचुरेशन कुछ इस तरीके से आप लोग 100 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। 100 माइनस कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग का फेस हो जाएगा। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड तभी आप लोग जान पाएंगे। इतना करने के बाद सिंपल आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड इसका भी सेचुरेशन आप लोग को 100 माइनस कर देना होगा और फिर से इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा और इसका सेचुरेशन आप लोग को 100 प्लस कर देना है, ठीक है। जो जो मैं स्टेप यूज कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तभी आप लोग सीख पाएंगे मेरे जैसा एडिटिंग। इतना करने के बाद सिंपल आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड इसका भी सेचुरेशन आप लोग को 100 प्लस कर देना है, ठीक है। और इसका भी सेचुरेशन आप लोग को 100 प्लस ही रखना है। फिर से आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे और इसका सेचुरेशन आप लोग को 100 माइनस कर देना होगा एंड फिर से आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे, इसका भी सेचुरेशन आप लोग को 100 प्लस कर देना होगा। इतना करने के बाद सिंपल आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड इसका लुमिनस कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फोटो के हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। तो 51 कर दे रहे हैं एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा आप लोग कम कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कम कीजिएगा तो -7 कर दे रहे हैं। इतना करने के बाद सिंपल आप लोग ह्यू वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड फर्स्ट वाला ऑप्शन है ह्यू, थोड़ा सा आप लोग माइनस में कर लीजिएगा तो -11 कर दे रहे हैं। इतना करने के बाद सिंपल आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने में फिर से आप लोग को इस वाला ऑप्शन पे आ जाना है। देन इस वाला ऑप्शन पे आने के बाद कलर नॉइज डिटेक्शन को देखिए, नॉइज डिटेक्शन को आप लोग को 100 कर देना होगा एंड डिटेल्स को भी आप लोग को 100 कर देना होगा एंड कलर नॉइज डिटेक्शन को भी आप लोग को 100 कर देना होगा। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड इस वाला ऑप्शन को ऑन कर देना है। फिर से इस वाला ऑप्शन को ऑन कर देना है। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड देखिए ऊपर प्लस वाला आइकन होगा, उस पर क्लिक कर लेंगे एंड ब्रश ओपन हो जाएगा। सिंपल आप लोग उस पर क्लिक कर देंगे एंड छोटा सा बिंदु ओपन हो जाएगा। सिंपल आप लोग उस पर क्लिक करके सिर्फ आप लोग अपने लिप्स पे फोकस कीजिए,
मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग लाइटो एप्लीकेशन के अंदर लिप्स होट लाल नहीं हो पा रहा है तो आप लोग स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर बता देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपने लिप्स पे कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोग कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा एंड कुछ इस तरीके से हल्का सा लिप्स को कलर कर लीजिएगा ताकि फोटो में लुक आ जाए। इतना करने बाद सिंपली आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग एडिट कर चुके हैं लाइट एप्लीकेशन के अंदर, देखिए आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर। तो अभी हमारे फोटो में क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, तो क्लियरिटी डालने के लिए सिंपली आप लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा एंड क्लियरिटी को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा आप लोग अपने फोटो के हिसाब से। तो फिर हम लोग एडिट कर चुके हैं लाइट एप्लीकेशन के अंदर, देखिए आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर। तो चलिए सिंपली आप लोग फोटो को सेव कर लेंगे, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। तो फ्रेंड फोटो सेव करने बाद आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। देन शेयर करने बाद अभी आप लोग देखिए फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक है हमारे, ठीक है। तो सिंपल आप लोग टूल्स वाले आइकन पे आ जाइएगा एंड सेलेक्टिव पे क्लिक कर लीजिएगा और आप लोग अपने फोटो के हिसाब से हल्का सा ब्राइटनेस को बढ़ाइएगा ताकि एडजस्ट हो जाए, ठीक है। आप लोग का फेस देखिएगा माइनस में करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जा रहा है, फोटो तो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ब्राइटनेस को अपने फोटो के हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप लोग का फोटो ज़्यादा ब्लैक है तो आप लोग ज़्यादा ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा, 100 बढ़ाएंगे तो ज़्यादा आप लोग के फेस पर लाइट आ जाएगा। और जो जो भाई लोग का फेस ज़्यादा ब्लैक होगा अगर आप लोग 100 करेंगे तो आप लोग का फेस अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो प्लस 30 कर दे रहे हैं एंड इतना करने बाद थोड़ा सा आप लोग कंट्रास्ट को भी डाल लीजिएगा फेस के ऊपर, ठीक है, अपने फोटो के हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से 40 प्लस कर दे रहे हैं एंड देखिए सैचुरेशन को थोड़ा सा आप लोग को कम कर देना है, ठीक है, अपने फोटो के हिसाब से। तो -35 कर देना है एंड इतना करने बाद स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा, 27 प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करने बाद सिंपल आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, इतना हो गया ना। इतना होने बाद सिंपल आप लोग टूल्स वाला आइकन पे आ जाइएगा। देन टूल्स वाला आइकन पे आने के बाद सिंपल आप लोग को देखिए फिर से हम कट कर देते हैं, ठीक है। पहले आप लोग को बताएं स्नैपचैट एप्लीकेशन के अंदर होट को भी हम लाल कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोग टूल्स वाला आइकन पे आ जाएगा एंड सेलेक्टिव पे क्लिक कर लीजिएगा एंड फोटो को जूम कर लेना, ठीक है। और सिर्फ आप लोग लिप्स पे सेलेक्टिव को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इतना करने बाद सॉरी फ्रेंड देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बढ़ा लीजिएगा एंड सेचुरेशन को बढ़ा लीजिएगा एंड देखिए कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग का लिप्स पे कलर आ गया, देखिए आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। देखिए फिर से आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर, इतना हो गया ना, लिप्स कलर आ गया ना। तो सिंपली आप लोग को टूल्स वाला आइकन पे चले जाना होगा। देन टूल्स वाला आइकन पे जाने के बाद सिंपली आप लोग को लेंस ब्लर पे क्लिक कर लेना होगा। लेंस ब्लर पे क्लिक करने बाद सिंपली आप लोग को देखिए ब्लर स्टैंड को 100 कर देना है एंड देखिए ट्रांजेक्शन इफेंट उसको भी आप लोग को 100 कर देना होगा। एंड देखिए जो है ना गोला सर्कल है इसको आप लोग छोटा कर लीजिएगा और इधर कॉर्नर में एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग अपने फोटो के हिसाब से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिएगा हल्का सा अपने फोटो के हिसाब से। तो +36 कर दे रहे हैं। इतना करने बाद सिंपली आप लोग यहाँ से डन कर लीजिएगा। डन करने बाद सिंपली देखिए आप लोग का फेस ब्लर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो शेयर के बगल में एक एरो का निशान होगा, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड देखिए व्यू एडिट्स है, ठीक है। तो सिंपली आप लोग व्यू एडिट्स पे क्लिक कर लीजिएगा एंड आप लोग को लेंस ब्लर पे क्लिक करना है एंड देखिए लेंस ब्लर पे क्लिक करेंगे तो एक ब्रश ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग ब्रश पे क्लिक कर लीजिएगा। ब्रश पे क्लिक करने बाद सिंपली आप लोग को फोटो को जूम कर लेना होगा एंड यहाँ से आप लोग को 100 कर लेना होगा, ठीक है। और देखिए एक आई वाला ऑप्शन है, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पहले देखिए इस तरीके से रहेगा और जब आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो फोटो को जूम कर लेना है एंड देखिए बहुत ज़्यादा ब्लैक है, ठीक है, आपको दिखाते हैं। यहाँ बहुत सारा पिंपल्स है एंड आप लोग का फोटो भी ब्लैक हो जाता होगा जब भी आप लोग स्मूथ करते होंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से फेस पे अप्लाई कीजिएगा ब्रश को, ठीक है मेरे भाई। अगर मान लीजिए आप लोग को देखिए इधर उधर चला जा रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए इधर फेस पे आ गया, इधर लिप्स पे आ गया तो आप लोग को इरेज करने नहीं आता है एंड आप लोग देख नहीं पाते होंगे कहाँ कहाँ हमारा स्मूथ गया है। तो सिंपली देखिए एक नीचे आई वाला ऑप्शन होगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे ना तो सारा शो करे लगेगा स्मूथ, ठीक है। तो सिंपली आप लोग देखिए यहाँ से आप लोग जीरो कर लीजिएगा और कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से आप लोग को इरेज कर लेना होगा, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ से 100 कर लेते हैं। 100 करने बाद सिंपली आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा ब्रश को, ठीक है। और जब अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा फुल एचडी आप लोग का फेस स्मूथ होगा, जैसे कि आपको दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारा पिंपल्स है ना, देखिए यहाँ बहुत सारा ब्लैक है ना। तो देखिए कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से अप्लाई करेंगे ना तो आप लोग का फोटो बहुत ही ज़्यादा फुल एचडी में स्मूथ होगा, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग जल्दीबाजी में फेस को स्मूथ करते हैं, इसके लिए आप लोग के फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक आ जाता होगा तो आप लोग का फोटो का लुक अच्छा नहीं दिखता होगा, ठीक है मेरे भाई। तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो हर वीडियो में आप लोग को कहता हूँ जब भी आप लोग फेस को स्मूथ कीजिएगा तो टाइम दे करके फेस को स्मूथ कीजिएगा ताकि आप लोग का फोटो का लुक अलग दिखे एंड बहुत का गजब दिखे, ठीक है भाई। देखिए यहाँ बहुत सारा ब्लैक है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं ब्रश को तो बहुत ज़्यादा हमारा फुल एचडी में फोटो स्मूथ हो रहा है।
देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए आपको जूम आउट करके दिखा सकते हैं, देखिए कितना ज़्यादा फुल एच डी में स्मूथ हो गया। ठीक है भाई, तो आई होप कि फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन का प्रेस दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग रिलेटेड से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।